एशिया कप होने वाला है, क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या सिर्फ भारत की वजह से? सर आपको क्या हो गया, आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों हैं आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, तोता चढ़ा बाजे घड़ा। ये कहावत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब आप पूछोगे कैसे? 2023 में एशिया कप होना जिसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। अच्छा, तो इन पाकिस्तानियों को जैसे बिल्ली के ख्वाब में छितड़े छितड़े नजर आते ना, तो ऐसे डॉलर 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 नजर आने लग गए। लेकिन इनके अरमानों पे कुत्ता मुता दिया जय शाह जी ने। ये बोल दिया कि भारतीय टीम सुरक्षा कारणों की वजह से एशिया कप पे पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। भारतीय टीम सिर्फ एक ही शर्त पे एशिया कप खेलेगी कि वो मैच पाकिस्तान में ना होके कहीं और हो जाए। सही बात है, भले वो इंडिया में हो जाए, यूएई में हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, कहीं भी हो जाए वो मैच, तो भारत एशिया कप खेलेगी। तो जय शाह जी ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वहाँ का एक्सपीएम ही सुरक्षित नहीं है। गोली लगने के बाद भी खानपुर आजम, इमरान खान पर हमले की कहानी, मैं सिर्फ विलन ही नहीं एक हीरो था। 2009 के अंदर श्रीलंका टीम के अंदर लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम पे कैसे गोलीबारी हुई थी, कैसे भूल सकती है दुनिया? गजब बेइज्जती है। न्यूजीलैंड की टीम तुम्हारे घर में आ गई थी, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वो भी चली गई तुम्हारे मुंह पे तमाचा रख के। और तुम कहते हो कि हमारी इंडियन टीम जिसके अंदर एक से एक सुपरस्टार सितारे हैं वो तुम दहशतगर्दों के सामने परोस दिया जाए? ऐसे कैसे? अरे समझेगा आतंकवादियों को तो लगेगा कि तो लड्डू आ गए, फोड़ देंगे, मसल देंगे उनको। आपके वहाँ माहौल ही सही नहीं है, आपके वहाँ दहशतगर्दी खुलेआम होती है, दहशतगर्दी के नाम पे चंदा मांगा जाता है। तो ऐसे मुल्क के अंदर हमारी क्रिकेट टीम आपके देश में कैसे आ सकती है भाई, कैसे आ सकती है, कैसे हो सकता है? जैसे बात पाकिस्तान को पता चली, पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर भारत की टीम एशिया कप में नहीं आएगी तो हमारी टीम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ये तो वही वाली बात हो गई, आपका किसी से झगड़ा हो जाता, आप कहते हो कि मैं तेरा घर नहीं आऊंगा आज के बाद, तो वो भी कहता कि मैं भी तेरे घर नहीं आऊंगा। इस रमीज राजा को और इन सारे पाकिस्तानियों को चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं जाके खेलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। समझ में आया? अगर इंडिया एशिया कप खेलेगा तो पाकिस्तान के बाहर ही मैच खेलेगा। समझ गया भाई। दूसरा, ये पाकिस्तानी इस वर्ल्ड कप को बायकॉट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जितना भी खर्चा होता है उसका रेवेन्यू 65% आईसीसीआई से आता है। जब ये आईसीसीआई के टूर्नामेंट को बायकॉट करेंगे तो आईसीसीआई इनको पैसे नहीं देगा, तो रमीज राजा तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी, बाबर आजम को सैलरी नहीं मिलेगी, रिजवान अहमद को सैलरी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास पैसा आएगा कहाँ से भाई? पता नहीं, तुम बाप से पंगा ले लोगे तो तुम्हारी तो जेब खर्ची बंद हो जाएगी। ये बढ़िया था गुरु। इसी मुद्दे पे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, उन्होंने पीसीबी और रमीज राजा को दोनों को लताड़ लगाई है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गट्स है कि वो आईसीसी इवेंट को नहीं खेलेगा? के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी जो एक रिसेंटली बयान आया है चेयरमैन पीसीबी की तरफ से, आई थिंक इसका मैं बताऊंगा आपको कि होगा क्या। एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास इतना गट्स नहीं है कि वो आईसीसी इवेंट छोड़ दे, वो भी इंडिया के अंदर। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान आए नहीं आए, दे डोंट केयर, क्योंकि उनके पास मार्केट इतनी बड़ी है, ह्यूज मार्केट है, 99% रेवेन्यू जनरेट करता है, आईसीसी को देता है, मतलब उनको कोई टीम से आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, देखेगा। और एंड ऑफ द डे मैं बता दूं कि होना कुछ भी नहीं है बॉस, होना यह है कि पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, और उस टाइम के ऊपर सिचुएशन ये होगी कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम डिसीजन नहीं कर पाए और हमें जो है खेलना पड़ा क्योंकि आईसीसी का प्रेशर था। और ये बात आने वाले वक्तों में, कुछ 8 महीनों में जब ये आएगा चीजें, यही बात आ जाएगी, क्योंकि आईसीसी आपको प्रेशर करेगी, आईसीसी आपको बोलेगी कि आप क्यों नहीं जा रहे। ये भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट के बहुत बड़े साफी माने जाते हैं, इनको दिनेश कनेरिया की बात चुभ गई है। लेकिन जो सबसे अफसोस हुआ मुझे रिएक्शन पढ़ के, वो हुआ दानिश कनेरिया का, क्योंकि यार दानिश से बड़ी हमारी दोस्ती रही है, बड़ा अच्छा प्लेयर रहा है वो पाकिस्तान के लिए, उसने बहुत सर्विसेज किए पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो दानिश का बयान आया कि जिसमें उसने कहा कि जी पाकिस्तान डजंट हैव द गट्स टू नॉट गो टू द वर्ल्ड कप, और मतलब नहीं जाएगा तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा और पाकिस्तान का नुकसान वगैरह वगैरह करके, अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार ठीक है, एक बिटरनेस है दानिश कनेरिया में, जो कुछ भी हुआ उसका, स्पॉट फिक्सिंग का जिस तरह से केस हैंडल हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिटरनेस, बिकॉज आई वॉज अप क्लोज, मैंने देखी हर चीज़, वो पूरा प्रोसेस होते हुए। लेकिन यार उसका मतलब ये नहीं भाई कि आप जिस मुल्क को आपने इतने उससे रिप्रेजेंट किया 10 साल के लिए और इतना अच्छा परफॉर्म किया, कि आप इस तरह से बातें करें। देखिए रमीज ने जो कहा सही है गलत है, कल मैंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया उस चीज़ को, सही गलत अपनी जगह, लेकिन यार द फैक्ट इज दैट अब एज पाकिस्तानीज मी माई सेल्फ इंक्लूडेड दानिश हिमसेल्फ,
मतलब वी जस्ट नीड टू इफ वी कांट मतलब स्पीक अप लाउड इन सपोर्ट ऑफ रमीज स्टेटमेंट एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू रन हिम डाउन पीसीबी डाउन और द कंट्री डाउन बाय सेइंग सच थिंग्स कि पाकिस्तान डजंट हैव द गट्स टू बायकॉट द वर्ल्ड कप. ये चीज मुझे थोड़ी सी गलत लगी दानिश की. आई होप कि दानिश इस चीज को समझे क्योंकि यार फॉर्मर क्रिकेटर है, उसका एक नाम है, बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसका वो अपनी जगह, लेकिन वॉट ही हैज डन फॉर पाकिस्तान रिमेन्स इन हिस्ट्री. तो मतलब आई जस्ट होप कि ही रियलाइजेस कि यार इस किस्म के स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुंचता है. एक हिंदू ने कैसे पाकिस्तान को पीसीबी को आईना दिखा दिया, इन भाई साहब को इससे लग गई चिढ़. भाई जैसे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, उस बंदे को भी अपनी बात रखने का अधिकार है. पाकिस्तान की आवाम भी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, तो इनका भी आनंद लीजिए. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. पहले तो ये बात है कि इंडिया को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स ये बेसिकली सियासत बेस पे जो है ना, ये इन्होंने हमें जो लगता है नहीं, उन्होंने तो, जो रीज़न दिया उन्होंने कहा है सिक्योरिटी इशू है. सिक्योरिटी रीज़न एक बस बहाना है. ऐसे न्यूजीलैंड को भी जैसे अभी पहले वो उनको भी सिक्योरिटी कितनी कोई कम थी, हमने सिक्योरिटी जैसे उनको दी. तो गेम बचाना पड़े. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज मनसूख हो गई. न्यूजीलैंड टीम ने यकतरफा तौर पर दौरे पाकिस्तान खत्म कर दिया. हमारे मतलब के इक्विपमेंट हमारी आर्मी से लेके आईएसआई जो है टॉप वर्ल्ड रैंकिंग है, तो हमें इस तरह का इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये पूरी दुनिया को पता है. ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से न्यूजीलैंड बैक आउट कर गया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है. तो बस एक बहाना बनाया जाता है ना, बहाना बनाया, लेट्स सपोज मान लेते हैं बहाना बनाया गया है. तो अब ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के फेमस तरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं, वो सिक्योर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी महफूज नहीं है, तो क्या अगर बाहर से और वो भी खासतौर पर इंडिया से टीम आती है तो वो महफूज होगी? तो उनको नहीं अगर उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की. देखें जी बात आपकी ठीक है कि अभी इमरान खान पे हमला हुआ, लेकिन उस टाइम पे इमरान खान को कोई जो सिक्योरिटी है वो हमारे इदारे नहीं दे रहे थे. चल झूठा. एक स्टेट बोला सिक्योरिटी का जो उन्होंने रीज़न बताया वो वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि देखें एक सवाल उठता है ना जब कोई वाकया पेश आता है तो उससे एक सवाल उठता है कि इमरान खान साहब अगर जो सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, अगर आज़म सवाती जो कि सैनिटर हैं वो सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, अगर अरशद शरीफ की बात की जाए, बहुत से मीडिया पर्सन की बात की जाए, वो सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर इंडिया जिससे हम एक रवायती हरीफ कहते हैं या हमें बताया जाता है कि वो हमारा दुश्मन है या वो हमें समझते हैं या हम उन्हें समझते हैं, वो अगर आएँगे तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल होगी. ये एक सवाल है या नहीं? अच्छा, पहले तो आपने बात की इमरान खान की कि जब इमरान खान अपने मुल्क में सिक्योर नहीं है बिकॉज और वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि अभी तक वो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने वो तो जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की कि हमने ये काम किया. अगर अभी पाकिस्तानी तो बच्चों जैसा व्यवहार करने लगे, वो करेंगे भी क्यों नहीं भाई, हम उनके बाप जो ठहरे हैं, अब बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है. लेकिन अगर बच्चा गैर जरूरी फरमाइश करे तो धुतकार भी जरूरी है. आप लोगों को क्या विचार है इस मुद्दे पे, आप कमेंट सेक्शन भर दीजिए. भाई साहब पाकिस्तानियों को पहलने में जो मजा है, जो आनंद है, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी नहीं है. चरम सुख आनंद सुनाए से मोक्ष मिलता है. तो पहलते हुए मस्त मस्त कमेंट कर दीजिए, ठीक है. और एक छोटा सा टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक का, इतना तो आप करवाई दोगे मुझे पता है. जान दे देंगे इसके लिए. और शेयर जरूर कर देना भैया, ठीक है. लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा, पार्टी तो यूं ही चलेगी, भारत अपनी बात पे अड़ा रहेगा, अगर झुकेगा पलटेगा तो वो है पाकिस्तान. ये तो होगा. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम.